ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना, प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद, मैं हूं खीम सिंह कोरंगा। अभी हम लगभग घाट से जो है 500 मीटर ऊंचाई पर, जहां पे मुख्य रूप से बादल फटा था, वह घटना घटित हुई थी, वहां पर हम लोग मौजूद हैं। देखिए इधर ऊपर पूरा का पूरा एक पहाड़ है, इस पहाड़ी के ऊपर जो है बादल फटता है, बादल फटने की घटना घटित होती है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद ये लगभग 4 या 5 भागों में बढ़ जाता है और एक बहुत बड़ी जो अनहोनी होती है वो अनहोनी एक तरीके से टल जाती है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पे पहले से कोई नदी थी ना कोई नाला था और यहाँ पे इतने बुरी तरीके से जो है बहुत भयावह तरीके से, मतलब अगर मैं बात करूँ तो भयावह तरीके से यहाँ पे बादल फटा हुआ है और उसके बाद जो है विभिन्न बहुत सारे घरों में लगभग 15-20 घरों में जो है मलबा घुसा पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है जनहानि हमें यहाँ के लोगों को नहीं हुई है, क्योंकि इसकी मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि जो ये घटना घटित हुई है शाम को 5 बजे के आसपास हुई है, तो आसपास के लोगों ने इस घटना को, मतलब यहाँ पर बादल फटते हुए देख लिया था और लोगों को जो दुकान में बैठे हुए थे, जो अपने घरों में थे, उन लोगों को जो है आगाह कर दिया गया था। इस वजह से जो है यहाँ पे बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल गई है। तो यहाँ पे दरअसल हुआ क्या होगा कि बहुत बड़ा जो गर्म क्षेत्र रहा होगा यहाँ पे, को गर्म क्षेत्र यानी कि यहाँ पे निम्न वायुदाबी क्षेत्र रहा होगा और निम्न वायुदाबी क्षेत्र को भरने के लिए जो है उच्च वायुदाबी क्षेत्र से पवनें चली आई होंगी और उसके बाद यहाँ पे देखिए चारों ओर हमें दिख रही हैं पहाड़ियाँ, दिख रही हैं कृपया पहाड़ियाँ यहाँ पे हमें दिख रही हैं। तो इन पहाड़ियों की वजह से जो है मानसून ऊपर, मतलब जो यहाँ पे वाष्पीकरण था या मानसून वाष्पीकरण था वाष्पन था ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाया और उसके बाद ही यहाँ पे क्या हुआ कि बादल बने और यहाँ पे क्या हो चुका था, बादल फटने की जो घटना घटित हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहाड़ियाँ किस तरीके की पहाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है बादल फटने की घटना घटित हुई होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे मुख्य वजह है बादल फटने की, हमारा जो है अनावश्यक रूप से जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और जो वैश्विक उष्णता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का होना भी जो है एक तरीके से वैश्विक उष्णता का बढ़ना भी जो है इसकी मुख्य वजह हो सकता है। तो ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना, प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।